यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पानी बचाने के लिए ग्रवित नाम की योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के 1,00,000 नलों में टोटियां लगाई जाएंगी और साथ ही शनिवार को झज्जर के गांव सुरहेती में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन पर टोटी लगाने के अभियान की शुरुआत करने के बाद ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पानी की कमी के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार वर्तमान में हरियाणा में प्रतिदिन 484 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई हो रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए जा रहे कुल पानी में से चौथाई यानी 121 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, इसलिए सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए ग्रवित योजना चलाई है, जिसमें लोगों को भी सहयोग करना होगा।